आइए हम आपको बताते हैं कि सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमावती अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए व्रत रखने का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। विशेषकर सोमवार को भगवान शिव जी का दिन माना जाता है, इसलिए सोमावती अमावस्या पर शिव जी की आराधना पूजन अर्चना उन्हीं को समर्पित होती है। इसलिए सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उसकी पूजा और परिक्रमा करती हैं। पुराणों के अनुसार सोमावती अमावस्या पर स्नान दान करने की भी परंपरा है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व माना गया है, परंतु जो लोग गंगा स्नान करने नहीं जा पाते वे किसी भी दिन नदी या सरोवर तट आदि में स्नान कर सकते हैं तथा शिव पार्वती और तुलसी जी का पूजन कर सोमावती अमावस्या का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी को क्या करना है इस दिन? ऐसा माना गया है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है, अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। सोमावती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान है, उसके बाद गरीबों को भोजन कराया जाता है। सोमावती अमावस्या के दिन की यह भी मान्यता है कि इन दिनों पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या विशेषकर सोमावती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व है। सोमावती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। सोमावती अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रिका कमजोर है, वह जातक गाय को दही और चावल खिलाएं तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। पर्यावरण को सम्मान देने वाले के लिए भी सोमावती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान माना गया है। इसके अलावा मौन व्रत को धारण करने से पुण्य प्राप्ति होती है। दोस्तों, सोमावती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को कठोर वचनों को बोलने से बचना चाहिए और भूलकर भी मांस मदिरा या मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। सोमावती अमावस्या के दिन व्यक्ति को व्रत से संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सोमावती अमावस्या पर पीपल की पूजा कैसे करें। इसलिए सोमावती सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पीपल वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उसकी पूजा और परिक्रमा करती हैं। पुराणों के अनुसार सोमावती अमावस्या पर स्नान दान करने की भी परंपरा है। तो हम आपको कुछ उपाय बताएंगे कि सोमावती अमावस्या के दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए। अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा जरूर खिलाएं। शाम के वक्त किसी अच्छे पुरोहित को बुलाकर घर में हवन करवाएं। और अमावस्या की तिथि प्रमुख रूप से पितरों को समर्पित होती है। आइए हम आपको बताते हैं कि अमावस्या के दिन क्या खाना चाहिए। ऐसी परंपरा प्रचलित है कि पहली सोमावती अमावस्या के दिन धान पान हल्दी सिंदूर और सुपाड़ी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमावती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल मिठाई सुहाग सामग्री खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है। आप सभी इस दिन सोमावती अमावस्या की इस विधि से आप व्रत रखें, आपके जीवन में आ रहे कष्टों को भगवान दूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो जाए। हम मिलेंगे इसी तरह की और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।